हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको अपनी पेंटिंग्स डिस्क्राइब करके बताऊंगा। जैसे कि आप कोई काम करते हैं तो क्रिएटिव वर्क क्या होता है, इसके बारे में अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, आप जैसे क्या करते हैं, बहुत सारे मोस्टली क्या है, कॉपी करते हैं। लाइक कॉपी भी, फोटो में से भी कॉपी करना, समझ गए? तो कॉपी इंटू कॉपी, एक तो नेचर को कॉपी करना हो गया, वो चीज़ एक अलग होगी। जैसे कि आप लाइव कर रहे हैं, ठीक है, वो तो चलो चलता है। क्या होता है, फोटो को क्लिक करा, उसको भी कॉपी कर रहे हो आप, उसमें भी समझ लो कॉपी इनटू कॉपी, यानी कि थर्ड टाइम आप कॉपी कर रहे हो। तो क्या होता है ना, इसमें जिस टाइम हम गैलरीज वगैरह में जाते हैं तो वहां इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। कुछ क्रिएटिव करने के लिए आपको क्रिएटिव माइंड से सोचना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दूंगा इस चीज में। ऐसी मेरी काफी सारी पेंटिंग, और मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप कुछ क्रिएटिव करिए, कुछ अपना करने की कोशिश करिए। स्टार्ट देखिए, कॉपी भी जरूरी है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कॉपी ना नहीं करिए, कॉपी भी जरूरी है। जैसे बच्चा शुरू में सीखता है तो माँ बाप को बोलना, उनके व्यवहार को, उनकी लैंग्वेज को समझता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसका एक अपना जो है, एक अपना कैरेक्टर बन जाता है उन सब चीज का मिक्सिंग करने के बाद में। तो कॉपी भी जरूरी है, लेकिन इसको लॉन्ग टाइम तक लेके जाना, हमेशा आप कॉपी कॉपी करते रहिए, आप जो भी कॉपी कर रहे हैं उसे सीखिए, ठीक है, बट अपना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करिएगा। तो ये मैं अपना काम आपको दिखाता हूं, ये मेरा सेकेंड ईयर का काम है, 2008 का मेरा काम है। तो गाइज, इसका जो टाइटल है वो है वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, ठीक है गाइज। ये जो पेंटिंग मैंने बनाई है, पेंटिंग मैंने स्पैचुला से बनाई है, पूरी स्पैचुला से, और ये एक्रेलिक पेंटिंग है। तो इसके अंदर मैं आपको समझा देता हूँ मैंने क्या क्रिएट करने की कोशिश करी और क्या मैं दिखाना चाहता था इसके लिए। देखिए, ये टाइम का सिंबल है यहाँ पर साइड में, और एक वूमेन आपको दिख रही है आधे फेस की, आधा फेस इसका ढका हुआ है। इसका रीजन ये है कि मैंने ये चीज दिखाई कि जो, जैसे कि आप आज भी देखेंगे, पहले टाइम में भी क्या था गाइज, जो जैसे गाँवों में आप देखेंगे एजुकेशन की कमी की वजह से, देखिए वुमेन पीछे की तरफ मैंने दिखाई है, इसके अंदर जो डार्क पार्ट है यही चीज, और जो इन्होंने जो अपने गहने वगैरह पहन रखे हैं ये भी चीज आप देखिएगा, लेकिन टाइम के साथ में, एजुकेशन के साथ में वो फेस करने लगी है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, इस वर्ल्ड को फेस करने लगी। और ये जो सिंबल है ये मैंने इंडिया का दिखाया, इंडिया को दर्शाने के लिए, क्योंकि बिंदी जो लगाते हैं मोस्टली आपने देखा होगा कि इंडिया में ही लगाते हैं। तो ये सिर्फ मैंने यही चीज देखिए, पल्ला पहले ढका हुआ रहता था औरतों का, जहां भी आज भी आप देखेंगे ना गांव देहात में क्या होता है, वहां पर जो पल्लू, इतना लंबा लंबा पल्लू रखते हैं वहां पर, ठीक है। तो वही चीज मैंने दिखाया, पर यही पल्ला देखिए यहाँ आ गया, ठीक है, जूड़ा यहाँ पे पीछे मैंने दिखाया। ये जो पहले कितने हैवी हैवी जो गहने पहनाते थे, गहने तो वही है बट ये क्या हो गए, छोटे हो गए, समझ गए। तो मैं ये चीज इसमें दिखाना चाहता हूँ कि एजुकेशन बहुत मस्ट है तो गर्ल्स के लिए। तो यही चीज एक वीडियो हुई, उसी को मैंने डिस्क्राइब करा इसमें, बस मेरा यही मोटो था दिखाने के लिए, नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये पेंटिंग है गाइज। और ये 2008 में मैंने बनाई थी, सेकेंड ईयर में जिस टाइम में था। और इसका साइज जो है 30x40 है, 30 इंच ऐसे है इसका कैनवस का साइज, और 40 इंच ऐसे है, ठीक है। ये पूरे प्रॉपर जो इस साइज के मिलते हैं कैनवस, तो आप ऐसे भी कर लीजिएगा, इसको बाय कर लीजिएगा। और बाकी इससे रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं, जो जो मटेरियल मैंने इसके अंदर यूज करा है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके चेक करके अपने स्टेशनरी वाले से आप ले लीजिएगा, मंगवा लीजिएगा, अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं। तो गाइज, ये सारी जो पेंटिंग है मेरी इमेजिनेशन पेंटिंग है, इसके लिए पहले मैंने काफी सारे लेआउट्स बनाए थे, देन फिर उसको मैंने बार बार करके देखा, ट्रीट करके, फिर कलर का कॉम्बिनेशन मैंने देखने की कोशिश करी इसके अंदर के कौन सा कलर आएगा, और सारा सब कुछ इसके अंदर कहीं पे ब्रश नहीं लगा हुआ है, सारा स्पैचुला का काम है। ये सारा टेक्सचर एक बार पास आए, ये सारा टेक्सचर आप देख रहे, सब ही ये स्पैचुला से बना हुआ है सारा टेक्सचर। तो गाइस, ऐसे ही मेरी काफी सारे काम है जो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, जो मैंने बनाए अपने कॉलेज टाइम में और जिस टाइम मैं कर रहा हूं। तो आप भी कुछ ऐसे ट्राई करने की कोशिश करिएगा गाइस, तो इस तरीके से आप करिएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। तो एक कॉन्सेप्ट, एक टाइटल है इसका, इस पेंटिंग का। तो अब अगर कहीं आप लगाते हैं एग्जीबिशन में तो ये सब चीज आप बताएंगे, तो एक अच्छा एक मैसेज दे रही है ये, इस वर्ल्ड को एक मैसेज दे रही है कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट की आप पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाइएगा। तो ये चीज इसमें मैंने दिखाने की कोशिश करी है। तो गाँव का जो सिस्टम है, बिना एजुकेशन के दबा के, डरा के, अंदर धक्के ऐसे रखते थे पूरा गर्ल्स को, वुमेन्स को, पर जैसे जैसे एजुकेशन आई, उनके अंदर नॉलेज आई, तो वो फेस करने लगी, वो समझ गई कि गलत क्या है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये सब चीज मैंने दिखाने की कोशिश करी है गाइज। आई थिंक आपको पेंटिंग भी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो, तो आपको पेंटिंग पसंद आई हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। तो
और बाकी मैं इस पेंटिंग का भी लिंक नीचे डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन, अपनी वेबसाइट पे जाकर आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो गाइज आई थिंक अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को आप शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही अभी मैं धीरे धीरे और मेरे बहुत सारे काम हैं जिनको मैं डिस्क्राइब करूंगा एक एक करके। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।